जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीबी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र वेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि हमें इस मेष राशि वालों को, आपको आज के दिन राजनीतिक एवं वाहन से यदि आप कोई व्यापार करते हो या ज़्यादा चलते हो, थोड़ा सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आपको भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज आप कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमा यदि चल रहे हैं तो विजय प्राप्त होगी, आपका दिन शुभ रहेगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन राजनीतिक क्षेत्रों में सफलताएँ प्राप्त होंगी एवं अन्यत्र आप कहीं अन्य प्रदेश में व्यापार के सिलसिले में जा सकते हो। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आज आप परिवार के साथ विद फैमिली सह तीर्थ क्षेत्र का योग बन सकता है एवं अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न होगा। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव, बेचैनी कम हो सकती है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आज आप कोई प्लॉट जमीन का क्रय विक्रय कर सकते हो जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम है। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको विद्या अध्ययन जैसे क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव, बेचैनी कम हो सकती है एवं नया पदभार संभाल सकते हो। दसम राशि मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन मात्र पर सुख प्राप्त हो सकता है, शत्रु परास्त होंगे, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों को भाग्य का होता है, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग भी बन सकते हैं। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन स्त्री पक्ष से आपको सहयोग प्राप्त होगा एवं माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा और कोई शुभ सूचना, मांगलिक शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है आज के दिन। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए श्रीमद् भागवत कथा, ज्योतिष अनुष्ठान या तंत्र के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राधे कृष्णा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।